आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिसकी उपयोगिता और फायदों की चर्चा आज पूरी दुनिया में पहुंच रही है। आयुर्वेद के इन्हीं बेनिफिट्स को देश के कोने कोने में पहुंचाने के लिए 4 दिवसीय आरोग्य मेला 2016 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गांधी ग्राउंड अंबाला में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा श्री अनिल विज। कार्यक्रम की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन के साथ जिसमें शामिल हुई अनेक गणमान्य विभूतियाँ। योगा का तो हम जानते हैं, अब तो सारे विश्व ने हमें स्वीकार कर लिया। UNO ने 21 जून को योगा दिवस मनाने का तय कर दिया। आज सारे विश्व में योगा सीखने की होड़ लगी। मुझे खुशी हुई कि PhD ने इसके लिए एक अलग चैप्टर इसके लिए खोला है और इसको आगे बढ़ाने के लिए जैसा अभी मुल्तानी जी बता रहे थे कि मेडिसिन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेदा में अपने को 3-4 चीज करनी है जो कि एलोपैथी सेगमेंट में हो चुकी है। वो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं आपके, वो ड्रग की सेफ्टी है, ड्रग की क्वालिटी है, ये सबसे प्रथम है। तो इसीलिए अपने को अगर आयुर्वेदा में और आयुष के क्षेत्र में अगर अग्रसर होना है, जो कि अपने प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, तो देखिए इसके लिए अपने को लेबोरेटरीज ऑफ एक्सेलेंस चाहिए, अपने को R&D चाहिए, अपने को इनोवेशंस चाहिए, अपने को स्ट्रक्चर्ड वे में क्लिनिकल ट्रायल्स चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है अपने को एक स्ट्रक्चर्ड वे में अवेयरनेस कैंपेन करना है। जैसे कि सरकार ने पोलियो का कैंपेन किया, देश हुआ कि नहीं पोलियो फ्री, तो उसी प्रकार आयुर्वेद का, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का प्रचार करना पड़ेगा। एक लोगों के दिल में विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम आयुर्वेद या सिद्ध मेडिसिन खाने से भी ठीक हो सकते हैं। आयुष टास्क फोर्स ने जो रिकमेंडेशन दी है कि जो सरकारी प्रोक्योरमेंट होती है उसमें भी जाके ये आयुष प्रीमियम मार्क वाले जैसे प्रोडक्ट्स को लिया जाए ताकि जो डिसीशन मेकर्स हैं और जो पब्लिक है उनको भी उच्च कोटि की औषधियाँ मिलें। और जब वो उच्च कोटि की औषधियाँ जब उनको मिलेंगी तो हम आयुष सेक्टर वाले फर्म बिलीव ये रखते हैं कि जाके 85-90% ऑफ बीमारियाँ जो हैं वो जाके सर आयुष सेक्टर उसको ठीक कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है, क्योर कर सकता है। PhD इस टाइप के और स्टेप्स लेता रहेगा, इसको हम एक नेशनल प्रोग्राम बनाएंगे ताकि जो हमारा आयुष सिस्टम है इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम लेके जाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इट इज़ हाई टाइम दैट द इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन शुड कम फॉरवर्ड एंड क्लेम इट्स राइटफुल प्लेस अंडर द सन। दीज सिस्टम्स आर नॉट समथिंग न्यू, नॉट समथिंग दैट इज अनटेस्टेड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऋग्वेदा एंड द अथर्वेदा, बोथ फ्रॉम द सेकेंड मिलेनियम BC. At a time when the rest of the world was busy learning the basics of civilization, the Atharveda lists 8 divisions of Ayurveda: internal medicine, surgery of head and neck, ophthalmology, surgery, toxicology, psychiatry, pediatrics, gerontology, and the science of fertility. इस आयोजन में आयुर्वेद प्रोडक्ट्स को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए अनेक स्टॉल्स लगाए गए जिसमें देश के कोने कोने से आए आयुर्वेद वेंडर्स ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही हेल्थ मेला में आई भीड़ का उत्साह देखते ही बनता था। आयुर्वेद के साथ अन्य चिकित्सा शैली जैसे योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी। आयोजन में शामिल हुई जानी मानी हस्तियाँ जिन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। हम खोलने जा रहे हैं कि जहाँ पर योगा सिखाया जाएगा 6500 गांव में और सारे शहरों की बस्तियों में हम खोलने जा रहे हैं। उसका काम शुरू हो चुका है, स्टाफ की भर्ती हो रही है। उसके लिए पंचकूला में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का
हम इसी प्रकार का सेंटर बनाना चाहते हैं, नेचुरोपैथी सेंटर, जिसमें सारे दुनिया से लोग आकर स्वास्थ्य लाभ उठा सकें। इसमें अगर आप देखेंगे होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगा, सब की अलग अलग ओपीडीज रखी गई हैं एंड दीज ओपीडीज आर फ्री फॉर पब्लिक। और यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मेडिसिन भी बांटी जा रही हैं, और जिससे जो आम पब्लिक है इनको आज इस चीज़ का जो बेनिफिट मिल रहा है। मैं भी अभी कुछ डेलीगेट से मिला था, इन लोगों ने बताया कि सर डिफरेंट जो हमें बीमारियों के लिए आए हैं लोग, तो यहाँ इन सबको उस लेवल के डॉक्टर्स भी, वैद सब मिले हैं और फ्री मेडिसिन भी मिल रही हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि एक एज एन ऑर्गेनाइज़र की एक सक्सेसफुल इवेंट है। इस मौके पर आयुर्वेद उत्पादकों और स्टॉल होल्डर्स ने अपनी खुशी कुछ इस तरह जाहिर की। हमें मौका मिला है आरोग्य मेला में आने का, और इसमें हमने आंगनवाड़ी की तरफ से, WCD डिपार्टमेंट की तरफ से हमने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंगनवाड़ी के माध्यम से बहुत अच्छी स्कीम्स चलाई हैं, और इस मेले के द्वारा हम उन लोगों को, जो कई लोगों को बहुत सी स्कीमों का पता नहीं लगता, वो बार बार आके हमसे उस स्कीम के बारे में डिटेल पूछ रहे हैं, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से उनको समझा रहे हैं। आई वेरी वेल थैंक यू PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइजर्स, बिकॉज एवरीवन टुडे गेट द नेचुरल ट्रीटमेंट गोज फॉर एवरीथिंग, but today many people unaware about the Indian system of medicine, but we have the quality products in Siddha and Ayurveda and Unani products, and this stall is very much useful to the public, and very much thankful to PHD Chamber of Commerce of the Department of Ayush running in the state. Thank you. Sabse bada advantage jo isme participate karne ka ye hai ki see it creates an awareness about Ayurveda in particular. पतंजलि अपने आप में बहुत बड़ी कोशिश कर रही है इस ओर कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर के, और हम लोगों ने हर सेगमेंट में अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। आरोग्य मेले में आया हूँ, इस बहुत अच्छा लगा है। अभी तक जितना भी टाइम मैंने यहाँ गुजारा है, मेरे को बहुत अच्छा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया लगा। आयुर्वेद के प्रति, मैं आयुर्वेद का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, योगा, इन सब का एक मिश्रण है, तो इन सब के एक प्रोत्साहन के लिए, लोगों के अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। पुराना सिस्टम है पर एक नई पीढ़ी उससे जुड़ नहीं पा रही है, तो उसको जोड़ने के प्रयास है, और एक विदाउट साइड इफेक्ट ट्रीटमेंट का एक प्रयास किया जा रहा है इस मेले में। बहुत अच्छा प्रयास है ये सरकार द्वारा, और मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी प्रमुख कंपनियाँ जो हैं यहाँ आई हुई हैं, तो एक बड़ा अच्छा शो कॉज है। लोगों का इंटरेस्ट भी हमें दिख रहा है आयुर्वेद की तरफ, डे बाय डे जागृत हो रहा है। लोगों को आयुर्वेद की नॉलेज पहले भी थी, लेकिन अब समय के साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है आयुर्वेद के अंदर। जो मैंने कि फर्स्ट टाइम अम्बाला के अंदर एक एडा बड़ा मैंने कि ट्रेड फेयर जो लगाया गया है, मैंने कि टाइम के हिसाब ना मैंने कि जो है इदा ट्रेड फेयर होंगे रहने चाहिए है, और बहुत वधिया मैंने कि सानू जो पब्लिक का है उस वास्ते मैंने कि सानू उत्साह मिल रहा वा, बहुत सारा मैंने कि प्यार मिल रहा वा, ताकि मैंने कि हर एक पब्लिक परसन जो है वो इसनों बहुत वधिया तरीके मैंने कि देख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और इसनों परचेज भी कर रहे हैं। हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं पूरे, और मुझे गर्व है कि हम आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारी सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे पूरे इंडिया के अंदर बहुत बड़ा एक्सपेंस कर रही है। हमें हमारे फार्मेसी वालों को हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूरे इंडिया में सबको आयुर्वेद के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए और पूरा इसके ऊपर कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी दैट पीपल्स रिस्पॉन्स इज वेरी गुड एंड दे आर कमिंग एंड बाइंग द थिंग्स एंड आस्किंग अबाउट आयुर्वेदा एंड इट्स प्रोडक्ट्स। दिस PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द आयुष डिपार्टमेंट जॉइंटली दे हैव अरेंज्ड दिस आरोग्य फेयर, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द डिपार्टमेंट, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द आयुर्वेदा। मैं तो धन्यवाद भी करता हूँ अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का, जिन्होंने हमारे भी इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ये काम करने के लिए। मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हर तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको आयुष के बारे में पता भी नहीं है,
उनको इसके बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। जिस आयुर्वेदा को, जिस आयुष को कोई जानता भी नहीं था, आज बच्चा बच्चे के नाम पे आयुष आयुर्वेदा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ये आयुष डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा प्रयास है और इसको सभी लोग पसंद कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कल से यहाँ पर जो लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और जो आयुष ने यहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल कराए हैं वो यहाँ अपने पूरी मेहनत के साथ सभी पेशेंट्स को देख रहे हैं। और हिमालय का भी ये प्रयास रहा है कि इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आएं, हम उनका निदान अपनी दवाइयों से करवा सकें। हेल्थ मेले में आए लोगों ने कहा, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लोगों से अपील करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँच के इसका लाभ उठाएं और यहाँ आयुर्वेद के बारे में जानें। मैं आज इस आरोग्य मेला में आया हूँ और मुझे यहाँ पर आकर लगता है कि इस टाइप के जो डॉक्टर्स का और ये पेशेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, जिस वजह से सही पेशेंट सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते, और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इतने डॉक्टर्स, हर तरह की फैसिलिटीज, हर तरह की, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो बहुत से लोग नीडी तो होते हैं लेकिन उनको एक रूट नहीं मालूम होता, वो एक डॉक्टर पर जाते हैं, कोई भी डॉक्टर एज ए प्रोफेशनल उनको मेडिसिन तो दे देता है लेकिन होपफुली वो जो लेके आता है उसको उसका ट्रीटमेंट नहीं मिलता। और यहाँ पर आकर जब एक नेचुरल प्रोसेस और एक बिना किसी लालच के जो ट्रीटमेंट मिलता है और जो उनका पेशेंट है उसको एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। योग करने से तो खैर हम लोगों का शारीरिक लाभ तो हो ही रहा है और समाज में सब लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जिन जिन लोगों ने क्लासेस किए हैं हम लोगों के साथ मिलकर, तो उनको तरह तरह की बीमारियों से राहत मिली है और शारीरिक लाभ हुआ है, उन लोगों को स्वास्थ्य में बहुत फायदा हुआ है उन लोगों को। आरोग्य मेला में आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ हमें रिजल्ट्स लग रहे हैं कि 100% रिजल्ट मिलने की उम्मीद है और हमें लगता है कि ये मेला बार बार अम्बाला सिटी में लगना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके बेनिफिट उठा सकें। आयुर्वेद के निरंतर विकास के लिए और इसे देश के कोने कोने में जनसाधारण तक पहुँचाने के लिए इस तरह के आयोजन और हों, इसी संकल्प के साथ ये आयोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।